हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, आईसीएससी और आईएससी एग्जामिनेशन 2019 के पास और मार्क सर्टिफिकेट इस बार डिजी लॉकर में भेजे जाएंगे। डिजिटली साइंड कॉपीज़ की डिजी लॉकर में भेजी जाएगी। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी डिजी लॉकर के बारे में ना जानते हों कि डिजी लॉकर आखिर में है क्या, किस तरीके से हम इसमें अपना अकाउंट बनाएंगे और किस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपना अकाउंट बनाना है और किस तरीके से आपको अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लेना है। अब आपको इंतज़ार नहीं करना होगा कि आपका स्कूल में सर्टिफिकेट आए फिर आपको मिले। आप इस तरीके से अपने डिजी लॉकर अकाउंट से डायरेक्टली अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको मैं ले चल रहा हूँ फिर न्यूज़ सेक्शन में। और न्यूज सेक्शन में देखिए, एक अपडेट यहाँ पे दिख रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटली साइंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड पाथ सर्टिफिकेट थ्रू द डिजी लॉकर। आइए इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि पूरा प्रोसेस आखिर में है क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ न्यूज आ गई कि इस साल का जो एग्ज़ाम सर्टिफिकेट है, मार्क्स और पास सर्टिफिकेट, वो इस बार डिजी लॉकर की फैसिलिटी के माध्यम से ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लिखे हुए हैं, दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जामिनेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन ईयर सिंस 2014 2014 के बाद में जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं एग्ज़ाम में, उन सभी के पास सर्टिफिकेट को भेजा जा रहा है डिजी लॉकर में। अब डिजी लॉकर के बारे में मैं आपको बता दूं, डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिस पे गवर्नमेंट के ढेर सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ताकि आपको सर्टिफिकेट्स लेकर के घूमने की ज़रूरत ना रहे। और बहुत बार ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट्स लोगों के गायब हो जाते हैं और बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है कि वो वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर देंगे, अपलोड कर देंगे और आप वहाँ पे अपना देख पाएंगे। तो करना क्या है आपको, सिंपली इसके लिए साइन इन कैसे करना है डिजी लॉकर में, आपको जाना है डिजी लॉकर .gov.in पे और उसके बाद में अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। उस पर एक मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा और उसके बाद में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपका डिजी लॉकर अकाउंट बन जाएगा। फिर उस डिजी लॉकर अकाउंट में जा कर के आप अपने काउंसिल के सर्टिफिकेट्स को देख पाएंगे, वहाँ पे वो दिया होगा, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। देखिए यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है, आइकॉन दिया हुआ है, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैं ताकि आप देख पाएँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गेट योर ICSE एंड ISC एकेडमिक सर्टिफिकेट्स इन डिजी लॉकर। देखिए जैसे ही आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपके लिए एक साइनअप का पेज ओपन होता है। आइए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हमने इस पे क्लिक किया और देखिए अभी, जैसा कि आपको पता होगा कि CBSE का रिजल्ट घोषित हुआ है, तो उन लोगों के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आ गए हैं पहले से, ये देख लीजिए। इसी तरीके से आपका भी जैसे ही कल डिजी लॉकर, जैसे कल आपका रिजल्ट घोषित होगा 7 तारीख को, तुरंत जैसे CBSE का रिजल्ट आया है उसी तरीके से आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। और आपको यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे देखिए साइन अप फॉर फ्री लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और जैसे ही अकाउंट क्रिएट करेंगे वहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, इसी तरीके का एक वहाँ पे वो आएगा, पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा, देखिए यहाँ पे CBSE का दिख रहा है और कल ICSE का दिखने लगेगा, जिसपे आपको यहाँ पे ओपन करना है गेट योर सर्टिफिकेट नाउ पे। और गेट योर सर्टिफिकेट्स नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी सूचना आपके लिए, अगर आप भी डिजी लॉकर के अकाउंट से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि ICSE और ISC से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाया करें दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।